सुखद जननी योजना के तहत पहली बार कन्या के जन्म पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम असरपी हॉस्पिटल ने शुरू की है। योजना का पहला लाभ बिहार के गया से आई एक महिला को मिली जिसने बेटी को जन्म दिया। वहीं इसी योजना से एक अफगानी दंपति भी लाभान्वित हुए और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। ये अफगानी दंपति IIT ISM में अध्ययनरत हैं। बता दें कि इस योजना के तहत नॉर्मल या ऑपरेशन से प्रसव के दौरान पुत्री होने पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा, सिर्फ दवा का खर्च वहन करना है। पुत्र होने पर मात्र 12,500 रुपये तथा दवा का अतिरिक्त पैसा देना होगा। योजना का शुभारंभ गत 17 जनवरी को उपायुक्त अमित कुमार के हाथों किया गया था। इस योजना का लाभ गरीबों के साथ साथ क्या कुछ बाहरी लोग, खास करके विदेशी लोगों को भी मिला है? आज ही दोपहर में 12:30 बजे के तकरीबन ऑपरेशन द्वारा एक लड़के का जन्म हुआ जिसकी माता अफगानिस्तान की रहने वाली हैं और पिता भी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। माता IIT ISM से पढ़ाई कर रही हैं और लड़के का पिता भी IIT ISM के MBA में एग्जीक्यूटिव कोर्स कर रहे हैं। और जैसे ही उन लोगों को पता चला, उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज उनकी डिलीवरी करा दी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए अभी हम लोगों ने सुखद जननी योजना का शुरुआत किया है। इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर उसका सारा शुल्क माफ़ कर देने की योजना है और उसको कोई निःशुल्क करने की योजना है और सिर्फ दवा का भुगतान मरीज के परिजनों को करना होगा, बाकी कोई भी शुल्क उनको नहीं लगेगा। साथ ही BCG का टीका, प्रसूति का खाना और बच्चों के डॉक्टर से उसको मुफ्त में दिखाया जाएगा। बच्चे के जन्म पर, लड़के के जन्म पर सिर्फ 12,500 रुपया का भुगतान करना होगा। इस तरह से इस योजना के तहत हम लोग कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में धनबाद का जो सेक्स रेशियो है, जो आज निम्नतम, देश के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, इसमें इजाफा और बेहतरी किया जा सके। अब तक कितने लोगों को इस योजना का लाभ? 17 तारीख को इस योजना का शुभारम्भ उपायुक्त श्री अमित कुमार साहब ने किया था और इसके बाद अभी तक कुल 21 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, जिसमें से 9 लोग आकर दिखा चुके हैं OPD में और 4 लोगों का एडमिशन हो चुका है, जिसमें 2 की डिलीवरी हो गई है। कल रात में 10:16 पर एक कन्या का जन्म हुआ जो पूरी तरह निःशुल्क है और आज सुबह में लगभग 11 बजे के आसपास एक लड़के का भी जन्म हुआ है। तो इस तरह से अभी तक 2 बच्चों का जन्म यहाँ हो चुका है इस योजना के अंतर्गत। आयुष्मान से भी इसका? नहीं, आयुष्मान भारत से अभी इलाज नहीं हो रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं, जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि इसको शुरू किया जाए, लेकिन ये जो योजना है सुखद जननी योजना, ये पूरी तरह से असरफी हॉस्पिटल की अपनी योजना है जो कि गर्भवती महिलाओं को मदद के लिए, गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।